हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी। अभी ये पेंट दिख रहा तुम्हें जी, इसमें स्प्रे कैन है जी। अरे मजाक कर रहा हूँ। अभी जैसे तुम लोगों ने नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा ना, मैंने उसमें बोला चेन लूप चेन क्लीन करनी है मेरे को, पर आज मैं घर पे नहीं करूँगा और झट झट फटफट से करूँगा। बहुत ही ज़्यादा सूखी भी है यार। अपनी बाइक निकालूंगा और ये वाली लीड लेके आया था मैं। आई विश कि आप लोगों को आवाज़ आ रही हो सही से। बस ये करके करना जाना है, उसके बाद घर आऊँगा, नहाऊँगा, कुछ खाऊँगा, फिर जाऊँगा। तो पहले ऐसा करते इस ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते। गुड मॉर्निंग इंटरनेट, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आज, और आज है मेरी बाइक वॉश कर दिन। टेंशन मतलब ये वाला ब्लॉग से वॉश में ख़त्म नहीं करूँगा। देखो कितनी सुंदर लगती है ये वाला ब्लॉग सिर्फ इसमें वॉश में ख़त्म नहीं करूँगा, टेंशन मत लो, पीस आउट। हेलो जी, तो अभी शॉप पे पहुँचे। अब बाइक लगाई तो है वॉश के लिए, पर उससे पहले चेन क्लीन करनी है भाई। बहुत ही सूखी, बढ़िया दिख रही है तुम्हें, बिल्कुल सूखी हुई है। और आज वॉश भी कराएंगे इसे, और है थोड़ी बहुत गंदी है, ज़्यादा गंदी नहीं है, पर चेन क्लीन करूँगा पहले। तो भाई ये है मेरे पास चेन क्लीनर, और ये एड लूप का है, ये कंपनी है भाई, अच्छी खासी कंपनी है, इसका कर रहा हूँ मैं अभी। और जब भी तुम चेन क्लीन करो ना, तो तुम्हें यहाँ से क्लीन नहीं करना है, तुम्हें यहाँ से क्लीन करना है अंदर से, ताकि इसके जो छल्ले हैं ना, छल्लों में जाए, समझ लो, यहाँ से ऐसे, ताकि वो छल्लों में जाए स्प्रे ना, समझ लो। तो ऐसे क्लीन करना है और करते हैं। तो भाई अपना चेन लूप नहीं, चेन क्लीन हो गया, अभी वॉश होगी, उसके बाद तुम देख सकते हो पूरा तो क्लीन है वैसे, पर लूप के बाद थोड़ा चिपचिपा हो जाता ना, तो ठीक लगता है। हेलो जी, तो अभी बाइक अपनी कंप्लीट हो गया, साफ सुथरी, बेचारी नई 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 लगती है धोने के बाद, प्लस अपनी चेन भी लूप हो गई है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं चला नहीं सकता, देखो पहले से तो बहुत ही ज़्यादा लूप है अभी, ये देखो कैसे निकल रहा गोंद, देख रहे हो, तो देखो ये देखो। तो अभी तो नहीं चला सकता मैं, रिम पे लगेगा, थोड़ी देर के बाद चलाऊंगा, टायर पे लग भी गया शायद। हाँ कम है गैस, कम है, आलू का पराठा का है। अच्छा चाय भी है, ठीक है। तो अभी अभी डिनर करके आया हूँ, पर एक और काम है मेरे को, स्कूटी का टायर खराब रखा है पिछला, और उसमें हवा बरबार लानी है, उसकी हवा निकली हुई है यार, वो स्कूटी चाहिए मेरे को आज, शायद स्कूटी पे मेरे को जाना है, एक काम है वो निपटाना है, स्कूटी पे जाना है मुझे, एक काम है वो निपटाना है, पर उससे पहले मेरे को हवा बरबार लानी है, उससे पहले मुझे चश्मा ढूंढना है अपना। मेरा चश्मा पता नहीं कहाँ रख दिया, मैंने ध्यान ही नहीं आ रहा मेरे को, मेरा चश्मा ही कहाँ है, नीचे होगा शायद मेरे ख्याल से, देखता हूँ उसके बाद मिलता हूँ। तो भाई इसका टायर ये है, इसकी हवा निकल गई है भाई, और शायद टायर भी यहाँ से निकल गया, इस साइड से टायर निकल गया होगा, तो बस ये करवा के आना है। अब सोच रहा हूँ इसे लेके कैसे जाऊँ, अगर करवा के आना होता तो मतलब अगर मैं इतना ही आलसी ना होता तो अभी तक मैं करवा के आ चुका होता, पर उससे पहले मेरे को ना रूम समेटना है, मतलब कंबल वगैरह समेटना है, वो समेटूंगा, और स्कूटी पे अभी नहीं लगवाने जा रहा मैं, क्योंकि अब तो काम है नहीं स्कूटी का, बस फिलहाल तो नहीं है। धूप रजाई, मैंने रजाई थोड़ी देर धूप में रखने के लिए कही थी मम्मी ने, ये रखी है, धूप तो और रखी है, मौसम का नहीं पता चल रहा कैसे चल रहा है, और अभी फेस्ट वो फार्मर्स का जो चल रहा है, तो उस चक्कर में रास्ता जाम है दिल्ली में, पता नहीं कुछ तो लगा है, याद नहीं आ रहा मेरे को। इससे पहले मेरे को जाना है अभी एक घर के पास ही है टीवी वाला, टीवी रिपेयर वाला, उसके पास जाना मुझे, उससे टीवी रिपेयर नहीं करवाना है एक्चुअली, कुछ और काम है मेरे को, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ। लीड मैंने ले ली, अरे लीड कहाँ है, लीड कहाँ गई भाई, अच्छा इस वाली जेब में, ठीक है ठीक है, लीड तो ले ली मैंने, बस यही है भाई, ऐसे ही चल रहा है, ये थोड़े बहुत काम है आज, वो निपटा लूँ मैं, थोड़ा ब्लॉग में तुम देख ही रहे हो, उसका भी कराना पड़ेगा भाई। टीवी वाले के पास गया था एक्चुअली, ले आया सामान, और आज मैं सोनू नहा लूँ, काफी दिन हो गए। है मम्मी नालू, अच्छा ओके, कर दिया मैंने गीजर ऑन, आज पता नहीं अजीब क्यों, ओहो आज तो वैलेंटाइन डे है गाइस। हमारा कुछ नहीं होता भाई, हम सिंगल लोग हैं, हमारा हर दिन वैलेंटाइन डे होता है, ऐसी है भाई सिंगल लाइफ, ऐसे ही चलता रहता है। बहन का भी कॉल आया था, पास्ता बनाने के लिए कह रही थी वो, देखता हूँ बनाऊँगा, अभी तो सांस फूल गया यार, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया ना, आलस आ रहा है। क्या प्यारी, क्या प्यारा मौसम हो रखा आज, मानना पड़ेगा, तभी मन हो रहा है शायद मैं नहाने का ना। मम्मी आप लेने गए हो कॉफी, वो तो कहती कॉफी ले आई मैं, एक प्लेट पकौड़ा ले आना अगर गर्म हो तो, मत लाना, नहीं नहीं है, नहीं वो बहन से कॉफी मंगाई थी, बताया होगा शायद मैंने तुम लोगों को, क्या हाँ बोलो,
समोसा नहीं, ब्रेड पकौड़ा ले आओ, ले आओ मेरा एक समोसा ले आओ। अरे जूम ज़्यादा हो गया, अभी कॉफ़ी बनाऊंगा भाई, मेशोर वाली कॉफ़ी बनाऊंगा अभी बिंदास। मेरी से अच्छी कॉफ़ी कोई पूरी दुनिया में नहीं बनाता, गारंटेड कह रहा हूँ भाई। कॉफ़ी इंजॉय करते हुए बहन में और मस्त मौसम खूबसूरत सा भाई। नहाते नहाते तो बच गया टाइम, मैं टाइम हो गया काफ़ी, अभी मैं नहाया भी नहीं हूँ अभी तक, काम वाम निपटा रहा था थोड़े से। प्लस मैंने अभी अभी देखा कि रिम बैंड है भाई, टायर में से तब हवा निकली है, रिम बैंड है ये, देखो कितना ज़्यादा खुला हुआ है, तो ये सीधा करवाना पड़ेगा, पहले खोलना पड़ेगा पहले इसे, एक्चुअली में ना इससे खुलेगा, यहाँ पे तीन बोल्ट हैं उनसे खुलेगा। फाइनली भाई हेयर कट करा के नहा धो के रेडी हो चुके हैं, अभी मैं जा रहा हूँ बाइक के साथ, पर मैं बाइक में शूट नहीं करूँगा ना 360 से ना GoPro से, आज दिन मेरी बाइक और मेरा है ठीक है। आज है वैलेंटाइन डे भाई, अगर मैंने अपनी ब्यूटी के साथ दिन नहीं बिताया तो वो नाराज़ हो जाएगी और आने वाली राइड पे तकलीफ दे सकती है। सब चीज़ मजा के बस बाइक के बाद जाना, रेडी हो चुका हूँ, शूज़ पहनने, शूज़ नहीं पहने अभी चप्पल है, और आज मैं मोटो ब्लॉग नहीं करूँगा ना इंस्टा 360 रिकॉर्ड करूँगा, आज सिंपल मेरी बाइक और मैं और खुला रास्ता और खुला आसमान। पीस आउट गाइस। तो भाई अभी हम हैं स्वामी डोसे वाले पे, हेलमेट एक छोटी सी राइड मारते हुए, बाइक अपनी वहाँ खड़ी सामने, यही जिंदगी बन चुकी है हमारी। हेलो जी, तो अभी हम हैं स्वामी डोसे वाले पे, मैंने कराया मसाला डोसा, नहीं मैंने कराया दाल वड़ा, और एक मेरा फ्रेंड है उसने मसाला डोसा कराया, कभी और फ्यूचर में मिलवाऊंगा, अभी नहीं मिलवा रहा, कंफर्टेबल नहीं है बंदा कैमरे पे ना, काफ़ी दिनों बाद आया ना, तो इस वजह से कंफर्टेबल नहीं है अभी। बाकी तो सर सही, अभी घर जाऊंगा एडिट मारूंगा बस, खाते और निकलते हैं। पीस आउट माई वैलेंटाइन। तो भाई दाल वड़ा। हेलो जी, स्वागत है, मतलब मेरा स्वागत है मेरे घर में, अभी अभी आया था मैं, अब लैपटॉप खोला है भाई, अब एडिट मारेंगे यही वाला ब्लॉग, और आप लोग देखोगे खूबसूरत है ना, नई चीज़ों की बात ही अलग होती है। हाँ तो मैं कुछ सोच रहा था, मैं बताऊँ कि ना बताऊँ पता नहीं मुझे अभी। वैसे हैप्पी वैलेंटाइन डे गाइस, मैंने अपनी बाइक के साथ मनाया, आई विश आपने उसके साथ मनाया हो जिसको आप पसंद करते हो, जो अच्छा लगता हो तुम्हें ऑफकोर्स, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचते इस वाले ब्लॉग को, इस वाले ब्लॉग के लिए इतना लगता है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाकी मिलते अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और ख्याल रखें अपनों का अपना, बाय बाय। और बस चल रहा है भाई, फाइनली फेब के भी 15 दिन कंप्लीट हो गए, और बस फिलहाल तो ये सीन है। पीस आउट।